सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज फिर से एक वीडियो लेकर आ चुका हूँ पोको एम टू प्रो यूजर्स के लिए। सो दोस्तों, आप अगर पोको एम टू प्रो का यूजर्स हो तो आप लोगों को तो जरूर पता होगा पोको एम टू प्रो में क्या क्या प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें से एक प्रॉब्लम और भी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इसका रिसीवर का प्रॉब्लम। आप लोगों में से किसी न किसी का फोन में ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो डाल दिया था। उस वीडियो को देख कर बहुत सारा लोगों का सलूशन हुआ था, लेकिन कुछ कुछ लोगों का सलूशन नहीं हुआ था। तो सिर्फ उन लोगों के लिए ही मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। आप सब अगर उस वीडियो को देख के आपका फ़ोन में रिसीवर का प्रॉब्लम सलूशन नहीं हुआ था, तो आप सब इस वीडियो को देख के आपका रिसीवर प्रॉब्लम सलूशन कर सकते हो। मैं इस वीडियो में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे इसको सॉल्व करना है। आप सब भी उसको देख के आपका फोन में सलूशन कर सकते हो। और दोस्तों, आप लोगों के फोन में अगर चार्जिंग प्रॉब्लम हो रहा है, चार्ज देने के टाइम कनेक्ट और डिस्कनेक्ट दिख रहा है, तो वो कैसे सॉल्व करना है मैं इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो डाल दिया हूँ। आप जाकर उसको देख सकते हो, मैं इसका लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। लेकिन इससे पहले आपको ये वाला वीडियो देखना होगा, क्योंकि ये वाला देखोगे तो आपका रिसीवर का प्रॉब्लम भी सलूशन हो जाएगा। तो पहले ये वाला वीडियो देखो, उसके बाद उसको जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, आप लोगों के फोन में भी अगर इस तरह रिसीवर प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग ये वाला वीडियो देख के पूरा सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पे रिसीवर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले आपको सेटिंग्स में जाना होगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा एडिशनल सेटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स में टैप करने के बाद आपके सामने आ जाएगा क्लियर स्पीकर। आपको पहले एक क्लियर स्पीकर नहीं देखने को मिलता है, यहाँ पर एंड्रॉइड 11 अपडेट करने के बाद ही यहाँ पे आ चुका है। तो आपको यहाँ पे क्लियर स्पीकर में टैप करने के बाद आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे ऑन करना है। यहाँ पे गॉट इट करने के बाद ही आपको सामने कुछ एक साउंड सुनाई देगा 30 सेकंड के लिए। आपको यहाँ पे इसको 30 सेकंड तक सुनना है। ये वाला साउंड आप लोगों को यहाँ पे 30 सेकंड तक सुनाई देने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपली बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एवर्ड फोन। आपको यहाँ पे एवर्ड फोन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है ऑल स्पेस। आपको यहाँ पे ऑल स्पेस में क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा कर्नल वर्जन। यहाँ पे कर्नल वर्जन में आपको यहाँ पे 3 से 4 बार टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे इस ऑप्शन में चेकआउट करना है, ठीक है, सिंपली चेकआउट करना है। पहले वीडियो में मैं जिस तरह दिखाया था, तो पहले आपको यहाँ पे मैं 3 ऑप्शन को दिखा दिया था, लेकिन आपको मैं पहले यहाँ पे दिखाऊंगा स्पीकर टेस्ट में। आपको यहाँ पे स्पीकर टेस्ट में एक साउंड सुनाई देगा 9, 3, 9। तो आप सबको यहाँ पे ए वाला नंबर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इनपुट करेक्ट आ जाएगा। तो पहले वीडियो में मैं यहाँ पे एरो दबाने का बोला था, लेकिन आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने कुछ प्ले म्यूजिक आएगा, आपको यहाँ पे प्ले कर देना है। तो आपको यहाँ पे एक म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा, तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह आएगा। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप सबको दिखाई दे रहा होगा हेडफोन का, यहाँ पे तो अभी आप लोगों को यहाँ पे ओके पे क्लिक नहीं करना है, आप लोगों को यहाँ पे एरर में क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने 2 पास दिखाई देगा और एक फेल दिखाई देगा। तो अभी आपको एक मेन टेस्ट करना है, रिसीव टेस्ट, ठीक है। तो रिसीवर में आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 नंबर बोलेगा, तो आपको यहाँ पे फिर से वो नंबर क्लिक करना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ए वाला कर देने के बाद आपके सामने इनपुट करेक्ट आएगा। तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे एरर में क्लिक करना है। एरर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फेल दिखा देगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे वाला जो ऑप्शन है, इसके ही नीचे, तो आपको यहाँ पे इसको भी टेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे करने के बाद आपके सामने कुछ प्ले म्यूजिक आएगा, तो इसको भी आपको प्ले करना है। यहाँ पर आपको सुनाई दे रहा होगा, यहाँ पर ए वाला साउंड करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एरर में क्लिक करना है। यहाँ पे एरर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 फेल दिखाई देगा और 2 पास दिखाई देगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पे बैक कर लेना है, ठीक है, सिंपली यहाँ पे बैक कर लेना है। और मैं पहले वीडियो में जो एक ऐप्स का यूज़ करने का बोला था, तो आपको वो वाला ऐप्स को इंस्टॉल करना है। वो वाला ऐप्स का नेम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, इसलिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पर डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो नहीं तो आप यहाँ पे प्ले स्टोर में मिल जाएगा, उसका नेम है, आप यहाँ पे सर्च करना यहाँ पे स्पीकर टेस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे स्पीकर टेस्टर सर्च करने के बाद ही आपके सामने कुछ इस तरह ऊपर वाला जो और नया आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको कैसे यूज़ करते हैं, मैं इसको स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया हूँ। मैं जो पहले वाला सोल्यूशन वीडियो डाला हूँ, वहाँ पे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया हूँ। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हो, इसके बाद आप लोग आपका फोन में जो रिसीवर का प्रॉब्लम है उसको सोल्यूशन कर पाओगे। मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन में भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। और एक बात दोस्तों, आप अगर इस वीडियो को देख के आपका प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं हुआ, तो आप उस वीडियो को देख के कर सकते हो, क्योंकि अगर इस वीडियो में आपका सोल्यूशन नहीं हुआ तो उस वीडियो में हो जाएगा। आप कोई भी वीडियो कर दो,
आपका सलूशन हो जाएगा। लेकिन तब भी आपका सलूशन नहीं हुआ तो आपका नज़दीक वाला जो भी केयर है रेडमी केयर, आप वहाँ पे जाओ, आपका सॉफ्टवेयर वर्जन थोड़ा सा डाउनलोड कर दो, ड्रेन कर दो, इसके बाद आपका फोन में सलूशन हो जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते मेरे अगले वीडियो पे। इस वीडियो को थोड़ा बहुत पसंद है तो प्लीज लाइक करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको फुल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, क्योंकि मेरे सारे आने वाला नोटिफिकेशन आपके सामने पहले ही आ जाएगा। और दोस्तों मैं जो पहले रिसीवर प्रॉब्लम का वीडियो बनाया था वो देखने के लिए ऊपर वाला वीडियो को जरूर देखना, नीचे वाला वीडियो भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, जय हिंद।